शुभ प्रभात। मैं कक्षा 6 की छात्रा सृष्टि गुप्ता आज आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि बल और बुद्धि के विषय बारे में है। जंगल का राजा शेर सिंह एक वीर और बलशाली सिंहासन को संभालता था। उसका विलासी और अहंकारी राजवंश बहुत लंबे समय से जंगल के साम्राज्य को शासित कर रहा था। वह अपने अधिकार की रक्षा के लिए जंगल के हर कोने में की निगरानी करता था। वह अपने द्वारा चुनी हुई सेना के साथ शक्तिशाली भाव से रहता था। एक दिन जंगल के दूसरे कोने में एक अनोखी घटना हुई। वहाँ का नागराज वासुकी एक मित्र के साथ अपनी यात्रा कर रहा था। वासुकी एक विचारशील और बुद्धिमान सांप था। उसकी समझ बहुत अद्भुत थी और उसने जंगल के रहस्यों को अच्छे से समझा था। उसने जंगल में देखा कि कमजोर जानवरों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उन्हें पानी पीने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ रहा है। इस वजह से उसने निर्णय लिया कि मैं अब इन जानवरों का साथ दूंगा और राजा के नियमों को इस जंगल से हटाऊंगा। और उसके बाद रातों रात ही उसने जानवरों को अपने राज में ले गया। और उसने बोला कि और जब राजा को खबर मिली तो राजा आश्चर्य में चला गया। उसने कहा कि उसके शासन के खिलाफ यह साहसिक कदम कौन उठा सकता है। और उसने युद्ध करने का निर्णय लिया। वह नागराज के राज्य में गया और नागराज ने जिन जानवरों को रखा था उनसे बोला कि तुम सब मिलकर एक साथ चिल्लाना, जिससे कि शेर सिंह को लगे कि तुम मेरी सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और वो अब हार मान के चला जाए। ऐसा ही हुआ, वो चला गया और उसने हार मान ली। धन्यवाद।